जय हिंद ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, आपको फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम तीन चार विषयों के ऊपर बोलने वाले हैं। एक तो कश्मीर में जो लेटेस्ट चीजें घट रही है इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। इसके सिवाय हम बातचीत करेंगे कि जो चाइनीज बॉर्डर है, चाइनीज बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। इसके सिवाय हम बातचीत करेंगे जो नक्सल से जो हमारे देश को थ्रेट है उसके बारे में। इसके सिवाय जो इकोनॉमिक वॉरफेयर हमारे और चाइना के बीच में चल रहा है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ये अलग अलग विषय है जिसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करूंगा। शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले एक श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार और सिपाही मंजीत सिंह, ये जो सिख रेजिमेंट के हैं। नाम मैं रिपीट करता हूँ, लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार और सिपाही मंजीत सिंह जो सिख रेजिमेंट के हैं, जिन्होंने नौशेरा के अंदर कल दहशतवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार, सिपाही मंजीत सिंह। लेकिन दुर्देव की बात ये है कि ये न्यूज़ अगर आज का आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में इसे बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। मराठी मीडिया में तो बिल्कुल ही नाम ही नहीं है उनके, इंग्लिश मीडिया में उसे पेज नंबर 5 पे डाला है। और अगर आप पेज नंबर 1 देखेंगे तो वहाँ पे बड़ी न्यूज़ क्या है, वहाँ पे बड़ी न्यूज़ है ये जो आर्यन खान की जो केस चल रही है उसके बारे में। वहाँ पे बड़ी हेडलाइंस है क्रिकेट के बारे में कि ये क्या, विराट कोहली ने क्या किया, उसने क्या किया। तो काफ़ी बार लगता है कि क्या हमारे देश को जो हमारे सच हीरोज़ है, जो देश के लिए अपने प्राण का बलिदान देते हैं, उनकी कीमत है कि नहीं। हम जो नॉन हीरोज़ है, नॉन हीरोज़ को हम किस प्रकार से इम्पोर्टेंस देते हैं, क्रिकेट हो या सिनेमा हो या क्राइम हो या सेलिब्रिटीज़। पिछले अगर आप कुछ हफ्ते देखें तो यही चार चीज़ें थी जिनको बहुत ही इम्पोर्टेंस मीडिया ने दिया था, क्रिकेट, सिनेमा, क्राइम और सेलिब्रिटीज़। और जो सच हीरोज़ होते हैं लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जैसे या सिपाही मंजीत सिंह जिनका कल डेथ हुआ नौशेरा में कश्मीर बॉर्डर के ऊपर, इसके बारे में किसी ने लिखा भी नहीं है। ये दुर्दैव की बात है। मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग इन शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। इसके सिवाय दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यह है कि एक फैसला दिया गया है कि कश्मीर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट रोड्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट जगह होती है, उन्हें उन मार्टियर्स का नाम दिया जाएगा जिन्होंने कश्मीर की रक्षा करते हुए या देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण का बलिदान दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि ये जो हीरोज़ है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए, कम से कम लोगों को उनकी याद रहेगी कि भाई ये जगह थी जहाँ पे इसने अपने प्राण का बलिदान दे दिया। तीसरी खबर ये है कि कुछ कश्मीर के युवक है, कश्मीर के अंदर भी है और कश्मीर के बाहर, तो इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट मैच होने के बाद पाकिस्तान की तरह से नारे लगाए और भारत के विरोध में नारे लगाए। अर्थात ये गलत बात है, जिस देश का नमक खाते हैं उस देश के साथ होना चाहिए। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि भारत से, हिंदुस्तान से इन्हें सब चीज़ें फ्री मिले। आपको पता होना चाहिए आज कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 50-60% स्टूडेंट्स को फ्री स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी अगर आप बाकी देश का हाल देखें तो वहाँ पे 5% स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इतना ही नहीं तो कश्मीर का आज 70-80% बजट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, यानी कि वहाँ पे कोई लोग टैक्स भरना नहीं चाहते। वहाँ पे बहुत ही काफ़ी सारे मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्होंने टैक्स भरना चाहिए, शॉपकीपर्स है, टूरिज्म में इंटरेस्टेड लोग हैं, काफ़ी बिजनेसमैन है, लेकिन ये कोई टैक्स नहीं भरते हैं। और इनकी ज़्यादातर 70-80% इनकम लास्ट 75 ईयर्स से
केवल सेंट्रल पूल से भरी जा रही है। इनको बोलना चाहिए कि आप अपना टैक्स भरो, आप अपनी प्रोग्रेस के लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे। वहां पे सरकार बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, जोजीला पास जो कनेक्ट करेगी कश्मीर वैली को कारगिल और लेह के साथ। इसके बारे में पहले पहले बात की है, खरदुंगला है या जवाहर, या दो और टनल्स है, अटल बिहारी वाजपेयी टनल जो हिमाचल प्रदेश से रास्ता ले जाएगी लेह के अंदर। इसके सिवाय बहुत सारे टनल्स कश्मीर में बन रही है, कश्मीर ये माउंटेनस एरिया है तो वहाँ पे टनल्स बनेगी तो रोड वो 12 12 महीने खुले रहती है। तो ये रोड सभी के लिए सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये जो कुछ लोग हैं कि जो एंटी नेशनल स्पिरिट है ये चलता है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, इन्हें कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाएगा, उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, जो कि एक सही चीज़ है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आऊँगा, थोड़ा सा 1 मिनट में नक्सलिज्म के बारे में बात करूंगा। महाराष्ट्र के जो गार्डियन मिनिस्टर है गढ़चिरौली जिले के, आपको पता है कि महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली जिला है वहाँ पे नक्सल्स का वायलेंस आधे जिले में काफ़ी है। तो इन्होंने श्री एकनाथ शिंदे जी जो है जो गार्डियन मिनिस्टर है उनको थ्रेट दिया है कि अगर आप वहाँ पे आएंगे तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। यहाँ पे एकनाथ जी शिंदे की दाद देनी पड़ेगी। इस थ्रेट के बावजूद एकनाथ जी शिंदे गढ़चिरौली में पहुँच गए हैं और उन्होंने बोला है कि गढ़चिरौली या ये जो दुर्गम इलाका है महाराष्ट्र का, वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से यही एक स्पिरिट होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं इस इलाके में जाना नहीं चाहते हैं और कारण बताते हैं कि नक्सल का वहाँ पे थ्रेट है। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगा वो कि कुछ कोल माइन को खोलने का फैसला सरकार ने किया था। आपको याद है कि हमारी 70 to 80% जो पावर जनरेशन है वो कोल से यानी कि कोयले से होती है। अभी हमारा कोयला देश में बहुत है, लेकिन ये कोयला सब सेंट्रल इंडिया के अंदर है और वहाँ पे जब माइनिंग शुरू हो जाती है तो ये जो नक्सल्स या माओइस्ट है या लेफ्ट विंग के जो दहशतवादी है वो वहाँ पे माइनिंग करने नहीं देते हैं। एग्जैक्टली यही बात कल परसों गढ़चिरौली में हुई, वो वहाँ पे माइनिंग करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसे देश का नुकसान होता है, पूरे देश ने उनको बोलने की जरूरत है कि अगर कोयला हमारी जो पावर प्लांट्स है उनको नहीं मिलता है तो बिजली कैसे पैदा होगी? बिजली नहीं पैदा होगी तो ये जो शहर वगैरह है उनको बिजली कहाँ से मिलेगी, या इवन जो विलेजेस है हाउस होल्ड में वहाँ पे बिजली कहाँ से मिलेगी? तो ये जो बिना कारण वाला ये जो स्टॉपेज है डेवलपमेंट का, ये देश की प्रगति के लिए बहुत बुरा है, ये रुकना चाहिए। और हमें जितना कोयले की ज़रूरत है, जितना कोल की ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट मुद्दा है कि कुछ हमारे एक्टिविस्ट है कि जो पर्यावरण का नाम देते हुए देश में कहीं पे रोड्स ही बनने नहीं देते, और हमारी जो न्याय व्यवस्था है उन्हें ये काफ़ी बार समझ में नहीं आता कि देश के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, चार धाम नाम की जगह है, ये उत्तराखंड या इसके पास है, वहाँ पे उत्तराखंड की बॉर्डर है, वहाँ पे रोड्स होने चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा के ऊपर देश की सीमा की रक्षा जो है वो भारतीय सेना कर रही है। भारतीय सेना की एक ब्रिगेड तकरीबन वहाँ पे है, मैं ज़्यादा एक्यूरेट फिगर्स नहीं देना चाहूँगा, कारण साफ है, लेकिन बहुत सारी फौज है, 5 6 हज़ार 7 हज़ार इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। समर्स में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनको दारू गोले की ज़रूरत होती है, उन्हें राशन की ज़रूरत होती है, इसके सिवाय नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए रास्ते की ज़रूरत होती है, और ये रास्ते पूरे नागर थाना वगैरह, इन्होंने बोला है कि भाई रोड, ये रोड को ब्रॉडन नहीं की जाएगी क्योंकि पर्यावरण का नुकसान होगा। अरे ये समझ में आना चाहिए, अगर फौज की तोहफे वहाँ पे जानी है, लाइट टैंक को वहाँ पे ले जाना है,
आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को वहां पे ले जाना है, दारू गोले को ले जाना है, तो ब्रॉड रोड लगते हैं। अगर आपने कभी मीडियम आर्टिलरी देखी होगी कि उनकी गन्स कैसे होती है, तो उनको क्लास 50, क्लास 60 इतनी बड़ी रोड्स लगती है, तो ही ये रोड्स के ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही हेवी गन्स होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ जाएगी और इस रोड के लिए परमिशन देगी। लेकिन इसके साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हजारों किलोमीटर्स के रोड चाइना ने बनाए तिब्बत में, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहीं रोका है? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में आना चाहिए कि अगर चाइनीज सुप्रीम कोर्ट या चाइना के पर्यावरणवादी रोड्स चाइना के बॉर्डर के ऊपर तैयार करने के लिए अगर नहीं रोक रहे हैं, तो क्या आप इसे रोक के आपके देश की सुरक्षा का नुकसान नहीं कर रहे हैं? दुर्देव में ये चीज़ हमारी जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, जुडिशरी को ये पूरी समझ में नहीं आती है। खास तो बॉर्डर एरिया जहाँ पे चाइना की थ्रेट बहुत ज़्यादा है, और चाइना कितना आक्रामक हुआ ये आपको पता होना चाहिए। आज भी 50-60,000 ट्रुप्स वहाँ पर है। आज आपको पता है कि यही उत्तराखंड का एरिया है जिसे बाराहोटी बोलते हैं, वहाँ पे चाइना ने अब भी एक महीना पहले इंट्रूजन किया था। उसके बाद तवांग के अंदर भी इनका इंट्रूजन हुआ था, इसके सिवा लेह के अंदर भी हुआ था, और जो हमारी बातचीत हुई थी चाइनीज के साथ 13th राउंड कोर कमांडर का, इसमें कोई ये नहीं हुआ। और उल्टा जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश में विजिट के लिए गए, तो चाइना ने दम दिया कि आप वहां पे कैसे आए, आपने वहां नहीं आना चाहिए, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये हमारा है। तो ये चाइना की एनिमिटी के बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, तो लेटेस्ट अभी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा एक न्यूज़ पोर्टल है, इस न्यूज़ पोर्टल के अंदर जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर है शी जिनपिंग, उनके बारे में एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो जाहिर किया, ये जो अपने हमारे नितिन गोखले है, स्ट्रेटेजिक फोरसाइट नाम का उनका न्यूज़ चैनल है, इसके ऊपर उन्होंने शी जिनपिंग के ऊपर एक वीडियो जारी किया। तो उसे चाइनीज जो वकीलात है, चाइनीज जो एम्बेसडर है दिल्ली में, इन्होंने इनको दम दिया है, इनको थ्रेटन किया है कि आपने ये जो वीडियो तैयार किया है वो हमारे देश के खिलाफ है, और अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अरे ये चाइनीज कौन होते हैं हमारे न्यूज पोर्टल को दम देने के लिए? इनका क्या हमारे मीडिया के ऊपर हक है? क्या हमने किसी चाइनीज मीडिया को दम दिया है? कोई हमारे हमारे जो वकीलात है चाइना के अंदर, इन्होंने ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का न्यूज़पेपर है, हर दूसरे दिन वो भारत को धमकियां देता रहता है कि हम भारत को भारत के टुकड़े करेंगे, हम पाकिस्तान को मदद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो हम उनको थ्रेटन नहीं करते हैं, तो हम उनको क्यों नहीं थ्रेटन करते हैं? हमने भी उनको थ्रेटन करना चाहिए कि अगर आप ये इस प्रकार का जो एडिटोरियल आपने तैयार किया है, अगर वो निकलेंगे आप, अगर आप वो बिल्कुल डिलीट नहीं करेंगे आपके वेबसाइट से, तब तक हम आपके साथ कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। हम ये बात करती नहीं है, उल्टा जो चाइना इस प्रकार से दम देता रहता है, हम सुनते रहते हैं। देश को चाइना के खिलाफ यूनाइट होने की जरूरत है। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ, अभी अगले हफ्ते से मंगलवार से दिवाली का त्योहार ये शुरू होने वाला है, 4 नवंबर से। इसमें हर एक घर में रोशनाई होगी, इसमें लाइट्स लगे जाएंगे। लेकिन अभी एक अच्छी बात यह है कि हमेशा ये जो लाइट्स होते थे, ये रोशनाई होती थी, दिवाली के आकाश कंदील होते थे, लैंटर्न्स होते थे, ये हमेशा चाइनीज बनावट के होते थे। लेकिन इस समय अच्छी बात यह हुई है कि चाइना का जो परसेंटेज है, हमारी जो लोगों ने चीज़ें खरीदी हुई है, ये काफ़ी कम हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आज हमारी ताकत ये है कि हम 130 करोड़ का देश है, हमारी परचेसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है, और ट्रेडिशनली हमारे जो लोग हैं दिवाली के पहले चीज़ें खरीदते हैं। मैंने पहले भी बोला है, एक बार रिपीट करता हूँ, कोई भी चाइनीज चीज़ें मत खरीदो, बी इंडियन बाय इंडियन। अगर चाइना हमें धमकी देता है, अगर चाइना हमारे
बॉर्डर के अंदर आके हमें तंग करता है, अगर चाइना हमारे खिलाफ इकोनॉमिक वॉरफेयर करता है, अगर चाइना नक्सलवादियों को मदद करता है, अगर चाइना पाकिस्तान को मदद करता है, तो हमने भी उनको सबक सिखाना चाहिए। और जब गलवान के अंदर उनकी जी पिटाई हमारी सेना ने की थी, उसके बाद थोड़ा बहुत तो ये चीज़ें सीख गए हैं, वो हमारे साथ लड़ाई करने की उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या मानसिक युद्ध है, वो चालू रखेंगे वो। तो हमने चाइना की कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। जो हमारे व्यापारी है जो चाइना की चीज़ें बेच रहे हैं, उनके ऊपर बॉयकॉट डालना चाहिए। और इसके सिवाय हमारी गवर्नमेंट ने, मुझे भरोसा है कि चाइनीज़ गुड्स के ऊपर वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे, वो GST लगाएंगे, ताकि जो फालतू चीज़ें जो चाइना हमें भेजता रहता है, हमारे व्यापारी खरीदते रहते हैं और हमारे कुछ लोग खरीदते रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। देश के बहुत सारी संस्था यह है, बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर एक अभियान चला रहे हैं कि चाइनीज़ को बॉयकॉट करो। उसे काफ़ी यश तो मिला है, जो हमारे चाइना के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच में जो तफावत होती थी, जिसे बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है, वो अभी काफ़ी कम हुआ है। अगर फिगर बताए दिए जाए तो मैं आपको पढ़ सकता हूँ कि ये 12.6 बिलियन डॉलर्स इतनी हुई है, जो 22.6 बिलियन डॉलर्स 18-19 में थी, और 23.5 मिलियन डॉलर्स ये 17-18 में थी। यानी कि पिछले 2 साल की तुलना में हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो तफावत है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिशिएट है, ये काफ़ी कम हो गई है। लेकिन ये पूरा ये बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब ज़ीरो होएगी तो चाइना के इंडस्ट्रीज़ को मार्केट नहीं मिलेगी, इसलिए वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ेगी, इसलिए वो कम प्रॉफिट कम उनको मिलेगा, जिससे वो उनकी जो आक्रामक कार्रवाई वो हमारे देश के खिलाफ करते हैं, इसमें कम हो जाएगी। तो इसीलिए चाइना के ऊपर 100% बॉयकॉट डालना ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश में प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस सरकार ने नाम की एक स्कीम शुरू की है। अगर आप किसी भी चीज़ को जो चाइना से इंपोर्ट होती है उसे रिप्लेस करते हैं, तो गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है, वो सोलर पैनल हो या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, वो केस बाय केस दिया जाता है। और इसमें काफ़ी सारी सक्सेस हमें मिल रही है। आत्मनिर्भर भारत में प्रगति तो हो रही है, लेकिन जिस स्पीड से होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रही है। तो हमारे इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास बनना पड़ेगा, हमारी लेबर्स को और प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा, हमारा जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो और एफिशिएंट बनना पड़ेगा, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कम करनी पड़ेगी, वो अभी काफ़ी सारी कम हो रही है, क्योंकि हमारी जो अलग अलग रोड्स बन रही है, रेलवे के कॉरिडोर्स बन रहे हैं, इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन, जो पहले जो सामान निकलता था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से, वो अंदर जाने के लिए 7-8 दिन लगते थे, वो अभी 2-3 दिन में वो पहुंच जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो सामान महू वगैरह आता है, सेंट्रल इंडिया में आता है, पहले 12-13 दिन लगते थे, अभी वो 4 दिन में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अभी आपको पता है कि मुंबई दिल्ली कॉरिडोर जो है वो तैयार हो रहा है, इसके सिवाय जो हमारा नागपुर को लिंक होने वाला रोड है वो तैयार हो रहा है। तो ये रोड एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, क्योंकि ट्रेडिशनली जो डेवलप्ड देश है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या आइटम के कीमत के अंदर केवल 7-8% इतना ही होते हैं, लेकिन हमारे देश में इसकी कीमत 20-25% इतनी ज़्यादा होती थी। तो अभी ये जैसे ही रोड्स ज़्यादा बनेंगे, अच्छे बनेंगे, तो जो अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है जो खेती में तैयार होता है, वो माल शहरों की तरफ जा पाएगा। अरुणाचल प्रदेश के जो संतरे है वो गुवाहाटी पहुंच पाएंगे या कलकत्ता पहुंच पाएंगे, हमारी जो खेती का माल है, सब्जी है और चीज़ें हैं, वो अलग जगह पे पहुंच पाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाइना को तो सबक सिखाना ही चाहिए, इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये हमारे देश का ही नुकसान होता है।
तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं अभी रुकता हूँ, और अगर आपसे आपसे कोई सवाल है तो वो सवाल का जवाब हम ले ले लेते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे रिमार्क्स डाले हुए हैं। घनश्याम चौरसिया जी है, राजेंद्र वराड़कर जी है, तो सबको धन्यवाद। आप ये सभी मैंने जो इसका जो कंटेंट है वो नीचे डाल के रखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं, जो जो ये पूरा मेरी बातचीत नहीं कर पाए। तो ये जो अभी वीडियो है, अभी मैं रुकने वाला हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और उसे लाइक करिए। यहीं पे मैं रुकता हूँ, एक बार फिर से आपको निवेदन करके कि चाइना के ऊपर कंप्लीट बॉयकॉट डालो, चाइना की इकोनॉमी को हम उध्वस्त करना चाहिए और चाइना को एक सबक सिखाना चाहिए कि अगर आप हमारे बॉर्डर के ऊपर गड़बड़ करते रहेंगे तो हम आपके ऊपर बिल्कुल बहुत बड़ा इकोनॉमिक बॉयकॉट डालेंगे। यहीं पर मैं रुकता हूँ। जय हिंद।